अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद जलसागाह में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 सितंबर की जलसागाह है सिंध जरांडी की मवेशी मंडी में, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से जलसे की इजाजत दी गई थी। मैं वहां पे मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो अहम शाहराएं हैं और जो इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते हैं, उनको कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। और जहां तक इंतजामिया की तरफ से कहा गया था कि मार्गला रोड, जो मार्गला रोड है उसको जो रास्ता आता है ये इस जलसागाह की तरफ मार्गला रोड वाला, वो खुला रहेगा, लेकिन हम वहां से आए तो उस रास्ते को भी अभी कुछ देर पहले कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। टेक्सा चौक की तरफ से हो, पीर वदाई मोड़ की तरफ से हो, फैजाबाद मोड़ की तरफ से हो, या जितने भी रास्ते जलसागाह की तरफ आते हैं इस्लामाबाद के, उन तमाम रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और जलसागाह से आपको थोड़ी सी सूरत हाल से आगाह करता चलूँ तो पाकिस्तान भर से लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, कश्मीर हो, हर जगह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीवानों का आने का सिलसिला शुरू हो गया। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये आप अभी छांव तलाश करिए क्योंकि दोपहर का वक्त है, सख्त धूप है, आज गर्मी का मौसम है। अगर मौसम की बात करते चले तो सख्त धूप है और अवामुन्नास छांव तलाश करिए, और अभी से लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। और अगर थोड़ी सी सिक्योरिटी के बारे में बातचीत करते जाएँ, अगर मेरा कैमरामैन पहले आपको दिखा सके, ये बिल्कुल पीछे जैसे देख रहे हैं, इसी तरह हर जगह से, मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ सूबों से इसी तरह काफिलों की सूरत में लोग आ रहे हैं और अपने अपने हल्के के उम्मीदवारों के फ्लेक्सेस उठाए, पोस्टर उठाए, इमरान खान के हक में नारे बुलंद करते आ रहे हैं। और ये वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए हैं और यहाँ पे 6 वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए हैं। एक ये एंट्री पॉइंट बनाया गया और यहाँ पे सिर्फ अंदर मीडिया की गाड़ियों को अलाउ किया गया। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, वो मीडिया की गाड़ी है। और जलसागाह की क्या सूरत हाल है, तो आवाम मुख्तलिफ काफिलों के आने का सिलसिला पाकिस्तान भर से जारी हो चुका है और अवामुन्नास आ रही है। वॉक थ्रू गेट्स अभी तक तो बहाल नहीं हो सके और क्योंकि आखिरी मराहिल में जलसागाह की लोकेशन चेंज की गई, तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं अभी दोपहर के इस वक्त में डीजे सिस्टम अभी भी अपनी सेटिंग्स कर रहा है, SMDs अभी भी लगाई जा रही हैं, स्टेज में अभी भी कुछ काम बाकी है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको थोड़ा सा आगे लेके हम आपको दिखाएं, और अगर इस जलसागाह की लोकेशन की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं कि लोकेशन कैसी है। ये आप देख सकते हैं कीचड़ वाली ढलवानों वाली जगह है और अभी चूंकि दोपहर का वक्त है, फिर भी आवाम के आने का सिलसिला शुरू हो गया, आवाम पाकिस्तान भर से आ रही है और जलसागाह की लोकेशन को किसी तौर कदरे बेहतर कर दिया गया है, जैसी पहले कंडीशन थी जलसागाह की उसको कदरे बेहतर कर दिया गया। और साथ कहाँ से आया जी? सर क्वेटा पश्चिम से। क्वेटा से आए? हाँ जी। कितने लोग आए? यार काफी 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 लोग आए। हम लोग बस में आए आप लोग? सर जी सर। तो रास्ते क्या सही से? रुकावट नहीं था, बड़े इधर अंदर खास शहर में खामा खा रुकावट होते हैं ना। हाँ। बाकी बड़ा रोड लॉन्ग रूट पे कोई रुकावट नहीं था। इस्लामाबाद शहर में रुकावट की बाहर से ठीक आया? जी जी बिल्कुल। पहले जी ये भाईजान क्वेटा से आया और इस्लामाबाद शहर के अंदर ही आपको मैं बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगाकर सील करके बंद कर दिया गया है और आवाम के आने का यहाँ पे सिलसिला जारी है। और आपको जैसा कि बताया कि आप अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके कि इधर क्या लोकेशन है, इधर क्या सिचुएशन है, तो ये जलसागाह की ये पोजीशन है जलसागाह की। अगर आपको मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके कि ये इस किस्म की जगह प्रोवाइड की गई थी, ये मवेशी मंडी ईदुल अज़हा पर यहाँ पे कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त होती है और इस मवेशी मंडी में ये जगह मुख्तस की थी इंतजामिया की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा के लिए। और ये जलसे की सूरत हाल है, इसको कदरे बेहतर फिर भी किया गया, कई जगहों को बेहतर किया गया। पूरी रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जहाँ पे काम करते रहे और अभी जलसागाह की क्या सूरत हाल है, स्टेज सक चुका है, स्टेज की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, अभी कुछ तैयारियां बाकी हैं और दोपहर के इस वक्त में दोहर के बाद ये सारा सीन हो चुका है। और अगर आपको मेरा कैमरा मैन दिखा सके, हवा तीन के लिए अलहदा सिस्टम किया गया, हवा तीन के लिए चेयर्स लगाई गई हैं, हवा तीन का अलहदा पर्दे का इंतजाम करके उन्हें के लिए अलहदा जगह का इंतजाम किया गया, मीडिया के लिए दरमियान में जगह मुख्तस रखी गई और उसके साथ इधर सारे मर्द लोगों के लिए सारी जगह मुख्तस की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में। SMDs का अभी भी सिलसिला जारी है लगने का, DJ की बात कीजिए वो भी जारी है और पाकिस्तान भर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीवाने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के आने का सिलसिला जारी है। और ये थी ताज़ा तरीन अपडेट। इसी के साथ अपने मेजबान औसाफ अली खान को इमरान मुगल के साथ उर्दू पॉइंट से दीजिए इजाजत अल्लाह ने के बाद।